जय श्री ओम नमः शिवदेवभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वासूत्र है, परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। यह सूत्रात्मक शैली, संस्कृत, इसकी भाषा 10 अध्यायों में विभाजित और 7 तत्वों का बहुत सुंदर वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय देख रहे थे और इसमें जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद और जीव का संसार में किस प्रकार का जन्म की पद्धति, किस प्रकार से जन्म लेते हैं, कौन कौन सा शरीर कौन कौन से जीव धारण करते हैं, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य भगवान ने की। अब आज हम जो सूत्र पढ़ेंगे, आचार्य भगवान के द्वारा बताया हुआ 43वां नंबर सूत्र है, जिसमें यह बात आएगी कि एक जीव को एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। तो उन शरीरों के बारे में आचार्य ने बहुत सुंदर यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। आइए हम सब लोग उस सूत्र का उच्चारण करेंगे। यदि आपके पास जिनवाणी है तो आप सूत्र को खोल लेंगे। दूसरे अध्याय का 43वां नंबर सूत्र। तदादिनी तदादिनी भाज्यानि भाज्यानि युगपदे युगपदे कस्मिन्ना कस्मिन्ना चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः तदादिनी तदादिनी भाज्यानि भाज्यानि युगपदे युगपदे कस्मिन्ना कस्मिन्ना चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब आइए अपन इसको एक बार बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को समझते हैं। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय का 43वां नंबर सूत्र है, देखिए एक बार पुनः। तदादिनी भाज्यानि युगपदे, यहाँ तक दा तक लेंगे, युगपदे कस्मिन्ना, डबल ना है, कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। ये पूरा एक ही सूत्र है, 3 लाइन में दिया भले पर एक सूत्र है, ध्यान रखना। तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए अपन संधि विच्छेद करते हैं इस सूत्र की। तो तदादिनी क्या होगा, तत् आदिनी क्या हो जाएगा, दा का ता हो जाएगा, तत् आदिनी, आ के कारण ता का दा हो जाता है और उसका उसमें मिलान हो जाता है, तो क्या हो जाता, तत् आदिनी, ठीक है। उस आदियों, उसको उसको आदि लेकर के, उसको आदि लेकर के, किसकी बात चल रही थी पीछे सूत्रों में, तेजस और कार्मण शरीर की बात चल रही थी। तो बोले तत् आदिनी, उनको आदि लेकर के, किनको आदि लेकर के, तेजस और कार्मण शरीर को आदि लेकर के, दो शरीर तो वो हो गए, तो उनको लेकर के भाज्यानी विभाग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विभाग करना चाहिए, विभाग बनाना चाहिए, उन दो शरीर को आदि लेकर के भाज्यानि विभाग करना चाहिए, क्या विभाग करना चाहिए, युगपदे एक साथ, युगपत संधि निकलेगी, युगपद एकस्मिन, युगपद एकस्मिन, युगपद मतलब एक साथ, एकस्मिन मतलब एक जीव में, एकस्मिन मतलब एक जीव में, एक जीव में, यहाँ संधि निकली, युगपद एकस्मिन, यहाँ डबल ना कैसे हो गया, इसके आगे स्वर आने के कारण लिखा आ चतुर्भ्यः, स्वर आने के कारण आधा ना, जब व्यंजन संधि ऐसी होती है तो डबल ना हो जाता है, दुत्त ना हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर 2 ना है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर एक ही ना बचेगा, ठीक है ना, बड़ा स्वर यहाँ पर आने के कारण, ठीक है। तो एक अस्मिन मतलब एक में, ये सप्तमी का एक वचन है, तो एक में, एक जीव में, किस में, एक जीव में, एक साथ, तद आनी, उनको आदि लेकर के, किसको आदि लेकर के, तेजस और कारमण को आदि लेकर के, कहाँ तक विभाग करना चाहिए, आ चतुर्भ्यः, कहाँ तक, आ मतलब पर्यंत, 4 पर्यंत तक,
कहाँ तक? आ यहाँ लगाना है पर्यंत, चतुर, आ प्लस चतुर, तो चार तक, कहाँ तक? चार तक, चार पर्यंत तक विभाग करना चाहिए, अर्थात दो शरीर को लेकर के चार शरीर तक हमें क्या करना चाहिए? एक जीव में घटित करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, कोई एक जीव को यदि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर हो सकते हैं तो वो चार हो सकते हैं, पांच नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन चार शरीर में इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। तद आनी, मतलब वो दो को लेना ही पड़ेगा जो पीछे सूत्र में चला आ रहा है, तेजस और कार्मण शरीर। अब हम यहाँ देखते हैं स्लाइड के माध्यम से, एक साथ एक जीव के कितने शरीर होते हैं? आपके पास कॉपी पेन हो तो इसे नोट कीजिए, क्या लिखा है? एक साथ एक जीव के कितने शरीर होते हैं? यहाँ लिखा है दो, पहला नंबर लिखा है दो, तेजस और कार्मण, कौन से भी लिखा है तेजस और कार्मण। यदि कम से कम हो तो कितने शरीर होंगे? दो शरीर होंगे, तेजस और कार्मण। और यदि तीन शरीर होंगे तो क्यों होंगे? तेजस कार्मण औदारिक, तो पहला शरीर का नाम था औदारिक और तेजस कारण साथ में है। हम तेजस कारण पहले क्यों लिखा है? क्योंकि इसने लिखा सूत्र में बोला तदादिनी, उनको आदि करके, इसलिए अपन उनको पहले बता रहे हैं, तेजस कारमण और औदारिक तीन शरीर, अथवा उसके आगे एक पट्टी और लिखी है, अथवा औदारिक को हटा करके वैक्रियक लिख दो, तेजस कारमण और वैक्रियक, इस प्रकार तीन शरीर होंगे तो ये अथवे में दो ऑप्शन चल सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि तेजस कारमण और आहारक, ये तीसरा भंग नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि तेजस कारमण तो हो गया, लेकिन जो आहारक शरीर है वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है, और वो आहारक औदारिक शरीर वालों को ही हो सकता है। और औदारिक शरीर वाले में भी जो 14 पूर्व के धारी मुनि राज हैं, रिद्धि संपन्न हैं, उन्हीं को ही ये शरीर हो सकता है, इसलिए वो तीसरा ऑप्शन वो वाला नहीं बन सकता। कौन? तेजस कारमण और आहारक को क्रॉस कर दीजिए, ये वाला कभी नहीं बन सकता। तो कौन सा बनेगा? तेजस कारमण औदारिक अथवा तेजस कारमण वैक्रियक, इस प्रकार से ये तीसरा भंग बनता है। चौथा भंग क्यों, कौन सा बनेगा? क्योंकि बोला आ चतुर्भ्यः, चार तक हमें भंग बनाना है, तो इसका पहला ऑप्शन है तेजस कारमण औदारिक के साथ आहारक जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से चौथा भंग बन गया, तेजस कारमण औदारिक और आहारक, अथवा उसके आगे लिखा हुआ है तेजस कारमण औदारिक और वैक्रियक। अभी वैक्रियक कौन सा? जो मनुष्य, जैसे भोगभूमि के त्रिरंच मनुष्य हैं उनमें विक्रिया पाई जाती है, जो चक्रवर्ती आदि हैं उनमें, जो पुण्यात्मा जीव हैं उनमें विक्रिया पाई जाती है, अथवा कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई हो, उसको विक्रिया कर सकते हैं, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज, वो विक्रिया, ठीक है ना? ना कि देवों वाला वैक्रियक शरीर, ये वैक्रियक भी औदारिक शरीर का ही परिणमन वाला है, ना कि देवों का वैक्रियक शरीर वाला परिणमन है, ठीक है ना? तो अपन ने चौथा भंग कौन सा बनाया? पहला तेजस कारमण औदारिक और आहारक, अथवा तेजस कारमण औदारिक और वैक्रियक, इस प्रकार से ये भंग यहाँ पर बनते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, तेजस और कार्मण शरीर किस गति के जीव को पाया जाता है? मात्र तेजस और कारमण शरीर यदि दो शरीर हों तो वह जो किसको पाया जाएगा, ऐसा आपका प्रश्न है, तो वह नियम से विग्रह गति में जो मोड़ रहित, मोड़ सहित वाले जीव हैं, जो मोड़ा लेते हैं, ऐसे जीवों का जो अवस्था है उस अवस्था में उसको ये तेजस और कारमण शरीर पाया जाता है, क्योंकि बाकी समय में तो या तो वैक्रिक शरीर होगा या आहारक औदारिक शरीर होगा, लेकिन जब जीव मरण करके दूसरे स्थान में जन्म लेने जा रहा है तो उस समय उस जीव एक मोड़ा, दो मोड़ा, इस प्रकार से मोड़ा लेकर के जन्म ले रहा है, तो उस समय उसके पास कौन सा शरीर होगा? तो तेजस कारमण शरीर होगा, उसे अपने कहेंगे कि विग्रह गति में मोड़ लेने वाले जीव के पास यह तेजस और कारमण श्रेणी पाया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री, आपने जो अभी इन पांचों शरीरों की जो व्याख्यान दिया है, इस व्याख्यान में
अलग अलग शरीरों में किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार, इस प्रकार से जो प्रभेद बताए हैं, भेदों को बताया है, तो इन भेदों में किस शरीर के स्वामी कौन कौन होते हैं, कृपया इसका विवेचन करें। पांच प्रकार के जो शरीर आपको बताए और उसमें से भंग बने दो, तीन और चार, और इनके स्वामी जो हैं तेजस और कर्म का, जैसे हमने बताया विग्रह गति के जो जीव हैं मोड़ वाले उनको तेजस और कर्म होता है, और तेजस कर्म औदारिक जो शरीर होता है वह मनुष्य और त्रिरंचों को होता है, और औदारिक तेजस कर्म और वैक्यक शरीर जो होता है वो देवनारकियों को होता है, तेजस कर्म औदारिक और आहारक जो शरीर होता है वो रिद्धिधारी संपन्न मुनिराज को होता है। इस प्रकार से यहाँ पर इनके भंग बनते हैं। आइए अपन इसको एक बार स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। एक साथ एक जीव के कितने शरीर होते हैं इसकी बात चल रही है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है तेजस और कर्मण, दो शरीर लिखे हैं तेजस और कर्मण, नीचे लिखा है स्वामी, इसके स्वामी कौन हैं, तो मोड़ वाली विग्रह गति में स्थित जो जीव है उस जीव को यह तेजस और कर्मण शरीर होते हैं, वो जीव इसके क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए लिखा है तीन शरीर, तीन शरीर में क्या लिखा है, तेजस कर्मण और औदारिक शरीर, ठीक है ना। स्वामी के स्थान पे क्या लिखा है, मनुष्य और त्रियंच, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, कर्म भूमि के मनुष्य हो, कुभोग भूमि के मनुष्य हो, आर मनुष्य हो, म्लेच्छ मनुष्य हो, कर्म भूमि के मनुष्य हो, पंचम काल के मनुष्य हो, चौथे काल के मनुष्य हो, षष्ठम काल के मनुष्य हो, किसी भी काल के मनुष्य हो, या इसी प्रकार किसी भी काल के त्रियंच हो, भोग भूमि के हो, कुभोग भूमि के हो, कर्म भूमि के हो, सभी त्रियंच, और इसके अलावा और भी त्रियंच जो पूरे तीन लोक में ठसा ठस भरे हुए एक इंद्रिय आदि जीव, वो सभी के सभी त्रियंच जीव का शरीर कौन सा होता है, ये तीन शरीर तेजस कर्मण और औदारिक, ये तीन शरीर जो होते हैं वो उनके वो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। और तीसरा जो भंग इसका और बनता है तेजस कर्मण और वैक्रियक, तो तेजस कर्मण जो वैक्रियक शरीर है उसके स्वामी क्या लिखा है, आप स्लाइड में देखिए, देव और नारकी, देव में चाहे वो भवनवासी हो, चाहे वैंतर हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वैमानिक हो, वैमानिक में भी कल्पवासी हो या कल्पातीत, जो नवग्रह, नव अनुदिश, पांच अनुत्तर, वो सभी प्रकार के जो देव हो, नरक में भी चाहे पहला नरक हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठवा हो, सातवा हो, सभी नारकियों को और सभी प्रकार के देवों को शरीर जो पाया जाता है वो तीन प्रकार का शरीर, तेजस कर्मण और वैक्रियक, ये उनके स्वामी होते हैं जीव। और यदि चार शरीर होते हैं तो चार शरीर कौन कौन से जीव को होते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तेजस कर्मण औदारिक और आहारक, ये चार शरीर लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है स्वामी, क्या लिखा है, छठे गुणस्थान वर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज। तो क्या आहारक रिद्धिधारी मुनिराज सप्तम गुणस्थान वर्ती नहीं होते हैं, होते हैं ना, लेकिन सप्तम गुणस्थान में रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं इस आहारक शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, जब तक वो प्रमाद दशा में ना आए, अप्रमत्त दशा में, निर्विकल्प दशा में यह आहारक शरीर उपयोग नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो वो आत्मस्थ हैं, लेकिन जब वो अंतर मुहूर्त के बाद पुनः सप्तम गुणस्थान से छठम गुणस्थान में आते हैं तो वहाँ पर उनको किसी प्रकार का संदेह हो, किसी सूक्ष्म शंका का निराकरण करना है, तो शंक निशंक होना है, तो वो चिंतन करते हैं, तो उनका आत्मा ये प्रदेश फैलते हैं और आहारा शरीर के साथ जाकर के केवली, श्रुत केवली आदि के पादमूल को स्पर्श करके या भगवान की वाणी को सुन करके आते हैं, और वह उनका शंका का क्या होता है, समाधान हो जाता है। तो इसलिए छठे गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वो इससे चार प्रकार के शरीर के स्वामी हैं, कौन कौन से, तेजस कर्मण औदारिक और आहारक, ठीक है। और एक भंग और इसमें बनता है चार शरीर का, वो कौन कौन सा बनता है, तेजस कर्मण औदारिक और वैक्रियक, ये चार बनता है, पर यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ भी
विक्रिया रिद्धिधारी या कोई मनुष्य या कोई त्रियंच, जो विक्रिया रिद्धि को धारण करता है, ठीक है ना, वो मनुष्य और त्रियंच ही इसे शरीर को धारण कर सकता है। त्रियंच भी विक्रिया कर सकता है, जो भोग भूमि जो त्रियंच है वो भी विक्रिया कर लेते हैं, और मनुष्य में जो चक्रवर्ती आदि हैं वो भी अनेक प्रकार की विक्रिया कर लेते हैं, विक्रिया पृथक भी कर लेते हैं और अपृथक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मुनिराज भी की विक्रिया होती है, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया हुई तो हाथ लंबा होता गया, एक पैर सुमेरु पर्वत पर, एक पैर मानुष पर्वत पर। तो इस प्रकार से वो औदारिक शरीर में के साथ वैक्रिक शरीर भी होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, जो यहाँ वैक्रिय शरीर की बात कह रहे हैं वो रिद्धि संपन्न की बात है, वो वैक्रिय शरीर देव वाला वैक्रिय शरीर नहीं है। कौन सा है? उपचार से इसे वैक्रिय शरीर बोला गया है, यह औदारिक शरीर का ही परिणमन है, परिणाम है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार से यहाँ चौथा भंग भी बनता है। नमोस्तु आचार्य श्री। जीव का तो कोई शरीर होता नहीं है, फिर ये जीव के शरीर जो बताए जा रहे हैं ये किस अपेक्षा से बताए जा रहे हैं? जीव के शरीर जो ये बात कही जाती है, ये स्यादवाद की शैली है। स्यादवाद की शैली कथनचित शैली होती है, अपेक्षा शैली होती है, नैकोलीय शैली होती है, एक देश की बात का कथन करने की शैली होती है। जब हमारी जीव से डायरेक्ट पहचान नहीं है तो हमारी पहचान इंद्रियों से कराई जाती है, शरीर के माध्यम से कराई जाती है, क्योंकि हम आत्मा को साक्षात नहीं कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान ने हमें इंद्रियों के माध्यम से जो दिख रहा है उससे हमारी पहचान कराने का कोशिश की है, लेकिन जो पहचान कराई जा रही वही हमारी असली पहचान है, ऐसा है नहीं। जो शरीर कहा जा रहा है, जीव का शरीर, तो ऐसा होता नहीं है कि जीव का शरीर, जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं पापा का लड्डू, बेटा लड्डू मत खाना, किसका है? पापा का लड्डू। तो क्या कभी पापा का लड्डू कभी होता है? क्या नहीं होता ना है, लेकिन हमको सामने वाले को बताना है कि ये लड्डू तुम मत खाना, है पापा खाएंगे, ये बताने के लिए हमें पापा का लड्डू बोलना पड़ा। लड्डू तो बेसन का होगा, गुड़ का होगा, या अन्य और किसी चीज़ का होगा, लेकिन होता कभी नहीं है पापा का लड्डू। पापा का लड्डू होगा तो पापा को लड्डू बनना पड़ेगा, ये ऐसा कथन है, ऐसा व्यवहार चलता है। ये सड़क कहाँ जा रही है? सड़क कहाँ जाती है? आदमी जाता है, लेकिन बताया जाता है कि हम इस सड़क से माध्यम से कहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो इसी प्रकार आचार्य भगवान ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर उपचार से कथन किया जा रहा है, उपचार से कथन यही होता है कि जो असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ऐसा कथन किया जा सकता है कि असद मतलब जो हमारी सत्ता में नहीं है फिर भी उसे अपनी कहना, ये असद्भूत व्यवहार नहीं है, ठीक है ना। सद्भूत व्यवहार नहीं में जो हमारी सत्ता में होते हुए भी अशुद्ध है उसको भी अपना कहना, जो शुद्ध है उसे अपना कहना। लेकिन असद्भूत व्यवहार में क्या होता है? जो हमारी सत्ता में नहीं है, शरीर हमारी सत्ता में नहीं है, इंद्रिय हमारी सत्ता में नहीं है, फिर भी ऐसे उपचार से, अनुपचार से, जैसे उपचार से ये मकान मेरा है, ये जीव का मकान है, ये उपचार असद्भूत व्यवहार नहीं है, ये शरीर जीव का है ऐसा कहना, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। तो उपचरित और अनुपचरित ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो उस अपेक्षा से हमें लगता है कि हाँ ऐसा ही है। जैसे होते हैं ना, एक दूर का रिश्ता और एक पास का रिश्ता, ऐसा बोलते हैं संसार अवस्था में, भैया ये कौन से रिश्ते? भाई बहुत दूर के रिश्ते हैं। तो ऐसा ही हमारा नाता इस मकान से करना, हमारा दुकान से करना, धन दौलत से करना, समृद्धि से करना, तो ये दूर का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? दूर का रिश्ता है। भैया पास का रिश्ता, ये हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे पास के हैं, इनसे हमारी जान पहचान है, इनसे तो हमारा सब बनता है, ऐसे इंद्रिय शरीर कर्म से हमारी जान पहचान है, तो ये पास का रिश्ता हो गया। लेकिन रिश्ते तो रिश्ते हैं, वो अपने नहीं हो सकते हैं, वो परे ही हैं, अपने स्व नहीं हो सकते हैं, हमारे आत्मा की सत्ता नहीं हो सकती। इसलिए फिर भी उन दूर के रिश्ते को भी अपना कहना और पास के रिश्ते को भी अपना कहना, दूर की वस्तुओं को भी उपचार से
अपना कहना, ये हमारा मकान, ये हमारा मंदिर, ये हमारे गुरु, ये हमारे प्रभु, ऐसा कहना, और ये मेरा कर्म, ये मेरा शरीर, ये मेरी इंद्री, ये मेरी आँख, ये मेरा कान, इस प्रकार से कहना, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। तो हमें इस बात को नयों के ज्ञान का भी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि जिस समय आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं तो वहाँ कहने की क्या अपेक्षा है। जब यहाँ पर कहा जा रहा है शरीर, जीव के शरीर, तो हमें क्या लगाना है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ऐसा कथन कहा जाता है, ऐसा है नहीं। स्यादवाद जो है क्या करता है, वस्तु ऐसी है ये तो अनेकांत है, और इस वस्तु को क्या क्या कही जाती है किस अपेक्षा से, इसका नाम है स्यादवाद। तो जब तक हम स्यादवाद अनेकांत के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हम द्वादशांग को भी नहीं समझ सकते हैं। ये समझ लो अनेकांत है, ये समझ लो ये स्यादवाद है, तो वस्तु क्या है, वस्तु का क्या स्वरूप है, इसका नाम है अनेकांत। अब इस वस्तु को क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, किस एंगल से क्या क्या कही जा सकती है, किस दृष्टि से क्या क्या बोला जा सकता है, तो वो है स्यादवाद। जैसे अपने हाथ में रखा है लड्डू, ये लड्डू, ये पूरा प्रमाणभूत जो है वो अनेकांत है। क्या है ये, प्रमाणभूत अनेकांत है, इसका अखंड ज्ञान होना ये अनेकांत है। अब इसको खंड खंड से हमारा ज्ञान करना, इसके बारे में बताना, ये स्यादवाद का काम है। ये लड्डू है, ये लड्डू पापा का है, ये लड्डू बेसन का है, ये लड्डू आगरे का है, ये लड्डू जैन का है, ये लड्डू गोल है, ये लड्डू छोटा है, तो जो ये दृष्टियाँ चल रही हैं भिन्न भिन्न बताने की, इसका नाम है स्यादवाद। वो स्यादवाद भी अनेकांत की प्रसिद्धि के लिए ही है। स्यादवाद भी सिद्धि किसकी करता है, अनेकांत की सिद्धि करता है, एक देश वो भी सिद्धि करता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होना वो असली ज्ञान होता है। ऐसे ही यहाँ पर जब बात चल रही है कि जीव के शरीर, किसकी बात चल रही है, जीव के शरीर, तो वो जीव का जो शरीर बोला जा रहा है ये सिर्फ व्यवहार का कथन है, और व्यवहार के कथन को व्यवहार का कथन ही समझना जब तक हमें ज्ञान निश्चय का ना हो जाए। तो निश्चय की सिद्धि के लिए व्यवहार है, व्यवहार किसके लिए है, वो व्यवहार व्यवहार नहीं है जो निश्चय की सिद्धि ना कराए। तो व्यवहार उसे ही कहते हैं जो निश्चय की सिद्धि कराता है। हमें भी व्यवहार ये बता रहा है, भैया ये उपचार से शरीर तुम्हारे हैं, इस ध्यान रखना, इन पांचों शरीर को पढ़ने के बाद मत लगा ले मैं इसका मालिक हो गया, अब तो भाई मैं औदारिक शरीर का मालिक हूँ, अब मैं इसके साथ जो करना चाहूँ वो करूँ, क्योंकि ये तो मेरा नौकर है और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। तुम एक परमाणु के भी स्वामी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के स्वामी हो, अपने ज्ञान के स्वामी हो, अपने अतींद्रिय सुख आनंद के स्वामी हो, उसी का स्वामी मानना। बाकी पर में अपना अधिकार और पर की वस्तु में हस्तक्षेप नहीं करना, ध्यान रखना कि वस्तु अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं और वस्तु अपनी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि से, अपनी कुबुद्धि से, अपना कुज्ञान से वस्तु की मर्यादा का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, उसमें प्रवेश करने का हम एक अथक प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमारी मिथ्या बुद्धि के कारण संसार का बंधन बनता है, संसार का चक्र चलता है। महानुभाव, यहाँ पर हम सभी लोगों ने इस प्रकार से जीव के जो शरीर, जो उपचार कथन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से कथन किया गया है, उसे अपन ने यहाँ पर समझा। अब हम सब लोग आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे, पर यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो हमने बताया तेजस और कार्मर शरीर के बारे में, और कंपलसरी हैं औदारिक के साथ, वैक्रिक के साथ और आहारक के साथ, इन तीनों के साथ ये दो शरीरों को आप जरूर लगाइए, और इस प्रकार से शरीर का ज्ञान करके, शरीर से भिन्न होकर के अपने अशरीर आत्मा का संवेदन कीजिए, अनुभव कीजिए, जिससे हमें आत्मलाभ होगा। इस प्रकार आचार्य उमा स्वामी का परम उपकार हम पर कि भगवान की वाणी का द्वादशांग का ज्ञान संक्षेप रूप में हमें समझाने का प्रयास किया। हमने यहाँ पर पांच शरीर का वर्णन पढ़ा और उन शरीर के स्वामी भी पढ़े उपचार से। अब हम सब लोग इसका अध्ययन करें, इनको याद भी करें, इनको बार बार रिमाइंड भी करें, इसका अभ्यास करें और अनुभव भी लें कि हम कौन हैं और हमारा क्या स्वरूप है। इस प्रकार यह सूत्र यहाँ संपन्न होता है। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक गरुं सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वाश्रुति का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।